यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल सवाना मीर बॉक्स। आज हम बिरयानी की बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए हमने 2 किलो चिकन ले लिया है। चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे, जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, पुदीना, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती का पेस्ट, दही, और इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और 1 किलो प्याज हमने फाइन बारीक बारीक कट कर लिया है। उसमें से आधा प्याज हम रोस्ट करके साइड पर रख देंगे, आधा प्याज हम अखने के लिए डालेंगे। प्याज हम अच्छे से लाल हो चुका है। कुछ गर्म मसाले भी खड़े डालेंगे हम इसके साथ में। अब उसके बाद अखनी जो रखा था हमने वो डाल दिया। अब अखनी में हम पानी पूरा अच्छे से सूखते तक इसको हम पकाएंगे। इसमें हमने 5-6 टमाटर का पेस्ट बनाकर डाल दिया, गरम मसाले 2-3 चम्मच डाल दिए, और इसका तेल सेपरेट होते तक इसको हमने भून डाला। ये देखिए, इसका तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ चुका है। अब हम कुछ मैजिक मसाला रेडी करेंगे बिरयानी का, जिसमें हम दम पे देते समय इसको डालेंगे। इसके लिए हमने जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची और थोड़ा सा सौंफ लिया है। इसको फाइन पाउडर बनाकर साइड पर रख दिया। अब हम कुछ गरम मसाला डालेंगे और हल्का सा जीरा फ्राई राइस बनाएंगे। आज हम सादा राइस नहीं बना रहे हैं, उससे बिरयानी थोड़ा फीका फीका लगता है। आज हम जीरा फ्राई बनाकर दम देंगे। इसके लिए हम जितना चावल लेंगे उसका 1.5 गुना पानी ज़्यादा डालेंगे। जैसे 1 डब्बा चावल लिया है हमने, तो उसमें 1.5 डिब्बा पानी डालेंगे। अब हम इसमें चावल को अच्छे से धोकर जीरा फ्राई बनाएंगे। नमक डाल दिया हमने, गरम मसाला डाल दिया, और चावल को जो रस करके रखा था उसको डाल दिया। और चावल को हम 80% तक पकाएंगे, फिर इसको दम देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। कुछ हमने ड्राई फ्रूट लिया है, इसको हम रोस्ट कर लेते हैं, जैसे काजू, किशमिश और बादाम। इसको हम बिरयानी में डालेंगे, जिससे मुँह में ये आएगा तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे लिए। अब हमने चावल को 3 लेयर में दम दे रहे हैं, 1 लेयर चावल का, 2 लेयर रखने का, 1 लेयर चावल का, फिर 2 लेयर रखने का। इस तरीके से हम अच्छे से चावल को जमा लेंगे, और जो मैजिक मसाला रखे थे हम पीस कर उसको डालेंगे, और घी डालेंगे, प्याज डालेंगे, ऊपर से धनिया पत्ती डालेंगे, और जो दाई रोस्ट कर कि हम काजू बादाम रखे थे उसको भी डालेंगे। और 10 मिनट के लिए बिरयानी को दम दे देंगे, और कुछ कलर डालेंगे, जो कलर आप चाहते हैं वो कलर डालिए। फूड कलर मैंने 3 फूड कलर यूज़ किया है। अब ये देखिए कितना अच्छा हमारा बिरयानी दम आ चुका है, और बहुत ही खिला खिला और बहुत ही सॉफ्ट बना है। एक बार आप इस रेसिपी से बनाइए और खाइए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड।